नमस्कार, न्यूज पर बिहार में आप सभी का स्वागत है। नेहरू युवा केंद्र सिवान के तत्वावधान में सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती कार्यक्रम का आयोजन नेहरू युवा विकास समिति जुड़कन द्वारा आयोजित किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ दीप प्रज्वलित कर किया गया तथा उनके तैलचित्र पर पूर्व प्रधानाचार्य शंभु नारायण पांडे और समाजसेवी अशोक प्रसाद एवं प्रोफेसर संदीप यादव ने अपने हाथों से किया। व्याख्यान में संदीप यादव ने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को नाडियाद ग्राम में हुआ था। ये स्वतंत्र भारत के स्वतंत्रता सेनानी थे। इन्होंने बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किया। इस आंदोलन की सफलता पर पटेल जी को वहां की महिलाओं ने सरदार की उपाधि प्रदान की थी, जिसके बाद उन्हें सभी लोग सरदार के नाम से जानते थे, जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए कड़ा संघर्ष किया था तथा देश के 562 रियासतों को मिलाने में अहम भूमिका निभाई थी। इसके साथ ही एक दौड़ प्रतियोगिता का भी आयोजन किया गया। उसके बाद विजेता को पुरस्कार दिया गया, साथ ही साथ अंतिम समय में एक शपथ भी कराया गया। आज ही के दिन 31 अक्टूबर 1875 में हुआ था। स्वतंत्र भारत के वकील के रूप में भी जाना जाता है। काफ़ी शिक्षित आदमी थे। इन्होंने अपनी पढ़ाई जो है इंग्लैंड में पूरा की थी और अपने देश के लिए इन्होंने काम किया। गुजरात में बहुत सारे आंदोलनों में इन्होंने भाग भी लिया। जब गुजरात में किसानों को सूखे ग्रस्त जब सूखा पड़ गया था और सरकार जो है वहाँ कर लगाई थी।